गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लंच में बना रही हूँ मटन का उजरी। उजरी यानी कि जो बोटी बोलते हैं, दो नाम मुझे पता चला तो इसीलिए दो नाम से आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। उसका आज रेसिपी बनेगा। और फ्रेंड ये रहिए, ये देखिए, आज मैं मटन का बोटी बनाने वाली हूँ। मैंने काट के अच्छे से साफ करके रख लिया है। तो इसको अभी ना बॉईल करना है नमक हल्दी देकर। तो चलो बॉईल कर लेती हूँ। इधर कढ़ाई में मैंने पानी देकर इसमें सॉल्ट और हल्दी पाउडर दे दिया है। एक एक करके सभी उजरी या बोटी जो भी बोल सकते हैं आप दे देंगे। आज ब्रेकफास्ट में पैनकेक बनाया था, उसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो पैनकेक बनाने से जो ऑयल रहता है ना कढ़ाई में, बस वही फ्लोट करके ऊपर ऊपर आ गया है। मैं ऑयल नहीं डाला हुआ है, सिर्फ नमक और हल्दी डाला हुआ है। मुझे इसे साफ़ करने में बहुत समय जाता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, नमक हल्दी देकर मैं इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। बस उसको अभी बॉइलिंग में करने के लिए चढ़ा दिया, जैसे कि आपको दिखाया। अभी राइस हो रहा है, अभी टाइम बहुत हो चुका है, अभी मॉर्निंग नहीं है, फिर भी मॉर्निंग विश कर दिया आप सबको, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम वीडियो जाता है एज यूजल। रुको, टाइम 2:30 बज चुके हैं अभी। और एक बात आपके साथ कहना है, चलो मैं बाहर जाती हूँ, बात करती हूँ। क्योंकि मम्मी जी टीवी देख रहे हैं, गाना चला कर, तो बहुत ज़ोर से, तो इसीलिए मैं सोच रही थी बाहर आ जाऊं। तो बस अभी नहा कर आई हूं, अभी 1:30 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड नून आप सभी को मेरे तरफ से। और जो बात कहना चाह रही थी, मुझे 2 दिनों से ना मैसेजेस आ रहा था कि दीदी आपका ना यूट्यूब पर सर्च करने से आपका चैनल नहीं आ रहा है। तो मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे भी पहले मुझे लग रहा था, कि मैंने भी सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला। जी हाँ, क्यों नहीं आ रहा है कि मेरा नाम है ना श्रेया और इंटरनेट में ज़्यादा ना स्नेहा घोषाल का जो नाम है ना वो फेमस है, तो इसीलिए उसी नाम से ज़्यादातर सर्च होता है। तो वो ना आप समझ सकते हैं, सर्च बोर्ड पे ज़्यादा आता है, तो श्रेया लिखने से ना वही आता है। और ज़्यादातर लोगों को ना SHRY ये ऐसे करके लिखना आता है, यानी कि इसके पीछे इसके आगे एच लगाते हैं। तो मेरे नाम पे ना एच नहीं आता है, मेरे नॉर्मल सा 4 अक्षर का नेम है इंग्लिश में, SRE Y A 5 हो गया, तो 5 अक्षर का मेरा नाम आता है, SREYA श्रेया। और हमेशा सबको ही लगाते हैं SH देकर लगाते हैं, मेरे नाम पर H नहीं आते हैं, मेरे नाम पर S आते हैं। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग में कह चुकी हूँ, वो वॉइस ओवर करके कहा है, तो इसीलिए आई होप आप सुना होगा। अगर नहीं सुना तो स्किप करके भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरा, देखता है वीडियो। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग शूट करने से पहले मैं ये आप सबको बता दूं, एक कैमरे के सामने आके बता दूं कि मेरा नाम आप इंडियन यूट्यूबर श्रेया में ना SREYA ऐसे करके सर्च करना, तभी मेरे ये आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। तो SH मत लगाना, वो लगाने से मेरा चैनल नहीं आता है, ठीक है। आपने मेरा अभी तक वीडियो, यानी कि अभी तक आपने मेरा चैनल का पूरा नेम अच्छे से नहीं देखा है, इसीलिए आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, मेरा पूरा आईडी का नेम देख लीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए, देखिएगा मेरा आईडी आपको मिल जाएगा। तो बस यही कहना था और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुमित अभी भी नहीं आया है, मटन का जो उजरी लेके आए हैं, जो बोटी, उसको छराने में 2 घंटा मुझे लग गया। उसके बाद उसका जो मैं यूज़ करने वाली हूँ सब्ज़ी बनाने में, उसे भी काटना पड़ता है, अदरक लहसुन छीलना पड़ता है, ये सब एक हाथ में करती हूँ, यानी कि मैं अकेले ही करती हूँ सब कुछ, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा जाता है। आई होप आप समझोगे मेरे बात को। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज का ब्लॉग मटन ही होने वाला है, उजरी होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खाना। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर।
मुझे ये ना क्लीन करना नहीं आता था पहले, अभी आ गया है, मैं YouTube देखकर सीखी हूँ। मैं ये रेसिपी ना आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए दोबारा से नहीं शेयर कर रही हूँ, करूँगी, मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूँगी हो सके तो। ठीक है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। बैंगन, आलू, ग्रीन चिली, सुमित भी आ गया। छोटा कढ़ाई में दो चढ़ाया था, वो बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए डेचकी में दे दिया है। भेपर आ रहा है पूरा, गरम लग रहा है यार, मेरा गीला है, फिर भी मैंने सिकोर करके रखा है क्योंकि इतना गरम लग रहा है, क्या बताऊं। পেয়ারা দেখাও পারবে, অনেক বড়, এত বড় পেয়ারাটা, ওই দেখো বড় সাইজ কা অমরুদ। হামলোগ বেঙ্গলি মে না বলতে পেয়ারা, ইয়ে দেখো বড় না সাইজ কা, পাকে দেখাবে দাও, লেকিন বহুত পক গয়া, ইতনা পকা হুয়া মে নাই খাতি হুম, হাম খা, ইতনা গরমি হ্যায় আজ না, দুপুর মে মে থোড়া সা ভি ন্যাপ নাই লে পাই, ইতনা গরম লাগ রাহা থা, অর अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इतना गर्मी के बारे। खाओ ना, एटा पाका, एटा पाका। थोड़ा सा आज अगर इवनिंग के यानी कि शाम के वक्त थोड़ा सा बारिश हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा।
बहुत गर्मी है। अभी मत आने दो, हाँ आने दो उसके बाद। अभी नहीं आएगा, अभी लेट है आने में। देखो आसमान देखकर पता चल रहा है, अभी नहीं आएगा। ज्यादा ये खाने से ना पेट दुखता है। वो एक गाठ लग वजह पेड़ कम दाना दाना थकबे। ये देखो এখানে পেকে গেছে, অনেক পেকে গেছে। इधर ना का बॉडी में कपड़ा नहीं है। मेरा अभी भी हेयर नहीं सूखा है और मेरे फेस पे पानी लगाया है, पानी का छींटा दिया। इतना गर्मी दाओ, मैं फूटे दाओ, बहुत गर्मी है। गाला गाली जाए भैया को। इधर ना एक बहुत क्या बताऊँ, हम लोग जिस एरिया में रहते ना बहुत गंदा एरिया, छोटा छोटा बच्चे जो है ना गाली गलौज करता है अपनी मम्मी पापा को, और हर टाइम झगड़ा झगड़ा झगड़ा, किसके पीछे लगे, किसके पीछे काटी मारे, ऐसा कौन किस क्या खा रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, ये सब इधर है, ज़्यादा भरा हुआ है। ये इसके साथ भाग गया, वो उसके साथ भाग गया, बहुत गंदगी है। मुझे ना इसीलिए इस सब एरिया में नहीं रहना पसंद है। मेरे मायके में भी सेम, इसलिए मुझे फ्लैट में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि अपने खाओ अपने में रहो, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे फ्लैट मुझे बहुत पसंद है। आपको दिखाती हूँ मेरा मनी प्लांट का जो ये है, जंगल में घुसते हैं। ये देखो यहाँ पर करेला का पौधा निकला है, ये देखो यहाँ पर मिर्च का पौधा है, इधर भी। ये मनी प्लांट का ना बहुत सारे रूट्स निकल आए हैं, इसको काटने के लिए आई हूँ मैं। ये देखो नीचे भी आ गया, इसको काटते हैं, ठीक है, इधर से काटते हैं। एक काट लिया, ठीक है, एक काट के इधर रख लिया, दूसरा और दो काट लिया है मैंने, और ये देखो जो मेरा एलोवेरा का जो था मैंने लगा दिया, देखो हो गया है। चलो अब निकलते हैं। फ्रेंड मैंने नहा के आई हूँ, इतना इचिंग हो रहा था क्या बताऊँ, मैं रह नहीं पा रही थी। फिर जाके नहा धोकर आकर अभी थोड़ा सा फ्रेश हो हुई हूँ। और ये टी शर्ट किसका है बताएं, ये सुमित का टी शर्ट है, मैंने पहन लिया है। थोड़ा सा इंस्टा वीडियो बनाऊँगी, रील्स वीडियो बनाऊँगी, तो इसीलिए पहन लिया है। और जो बोल रही थी, ये देखो मेरे घर में कितना सारा प्लांट, ये मनी प्लांट का ये एक है। रखने का कुछ बोतल नहीं मिला, तो पीने का थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल होता है ना उसमें ही लगा लिया है। अच्छा लग रहा है ना। पीने का पानी का बोतल जो यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें, और इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल दे दिया है तो अच्छा लगता है देखने में। ऐसा क्रिस्टल कहाँ मिलता है, एक्वेरियम जहाँ पर मिलता है, फिश का जो ये है उधर मिलता होगा। मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं जाकर ये क्रिस्टल लेके आऊँगी, पत्थर को स्टोन क्रिस्टल नहीं, स्टोन लेके आऊँगी, तो अच्छा लगेगा बोतल के अंदर दे देने से। तो ये भी लगा लिया है इसमें, अच्छा लग रहा है अभी इस तरफ का कुछ, ये अच्छा लग रहा है ना, बताना ज़रूर।
और चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर दी एंड करती हूँ। आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे रेगुलर देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है ऑल वाला बटन, उसे भी क्लिक कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। आप बहुत स्मार्ट हो, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता है। और देखो स्टार्ट हो गया हो, क्या पता मेरे ब्लॉगिंग से इसका कुछ दुश्मन ही है। मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ मैं चीखने लगता है तो एक फनी सा होता है। और बस अभी शाम के बज रहे हैं 5:10 हो चुका है, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ध्यान करती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मन चाहे तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उनका टाइम पास होने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर मन करे तो ठीक है। चलो ये चिकना स्टार्ट हो गया ना, ये बंद नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।